ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अराउंड भारत आती है ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। फिर 1700 के बाद से मुगल डायनेस्टी वीक होने लगती है और कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म होते हैं, जिसमें कि बंगाल सबसे रिसोर्स रिच और सबसे बड़ा प्रोविंस था। सो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ना कैसे करके बंगाल पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहती थी, पर जो बंगाल के नवाब थे वो एक कड़ी चुनौती ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे थे। पर बंगाल प्रोविंस में बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनल डिवाइड्स थे और हर कोई बंगाल का नवाब बनना चाहता था, जिसका एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने बखूबी उठाया। 1750s आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को ना कस्टम ड्यूटीज दे रही थी, कैलकाटा में फोर्टिफिकेशन हो रहा था, इन शॉर्ट बंगाल का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। जिसके बाद प्रिपेयर होता है ग्राउंड बैटल ऑफ प्लासिका 1757 में, जिसमें एक तरफ सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे जो कंपनी की आर्मी को लीड कर रहे थे। पर क्लाइव ने सीक्रेट अलायंस फॉर्म किया हुआ था मीर जाफर के साथ, जो कि कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला की आर्मी के, जिससे हुआ ये कि बैटल ऑफ प्लासी बिना लड़े ही ब्रिटिशर्स जीत गए और ईस्ट इंडिया कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की तरह राइज करने लगी। अगर मीर जाफर क्लाइव के साथ अलायंस फॉर्म नहीं करते तो मे बी नवाब की आर्मी शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देती, तो पूरी हिस्ट्री ही शायद बदल जाती। सो दैट्स व्हाई बैटल ऑफ प्लासी चेंज द हिस्ट्री ऑफ भारत।